स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों, आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें ताकि आपको हर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की सच्ची खबरों में। आपको बता दूं, यहाँ पे हार्ट कुक्ड फूड योजना को लेकर के एक बढ़िया सा लेटर निकल के आया हुआ है जो आप लोगों तक देना चाहता हूँ। आप लोग देखिए इसमें क्या क्या बातें निकल के सामने आ रही हैं, और साथ ही साथ जो गर्मी की छुट्टियों को लेकर के कहाँ पे ज्ञापन दिया गया है उसके बारे में भी बताया जाएगा, और नई शिक्षा नीति को लेकर के आंगनबाड़ी बहनों के लिए, खासकर सहायिका बहनों के लिए क्या सरकार जो प्रावधान किए हैं और क्या उनके लिए आगे देखने को मिल सकता है, तो जो नई शिक्षा 2019 में क्या बदलाव किए गए, उन सभी के बारे में जानकारी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह पर शेयर कर देना ताकि हर बहन तक ये आवाज जा सके। और ये रहा लेटर, और साथ ही साथ अभी बताएंगे कि योगी की कैबिनेट बैठक में आज फैसले भी क्या लिए गए, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए अपने इस वीडियो में। 31 मई 2019 को ये उत्तर प्रदेश में लेटर जारी किया गया है, वहाँ पर जितने भी ये जिलों के नाम दिए हुए हैं, इन जिलों में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से हार्ट कुक्ड जो फूड योजना के सफल संचालन हेतु प्रतियोगिता का आयोजन वगैरह किया जाएगा, उसके संबंध में लेटर जारी किया गया है। आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, मऊ, इलाहाबाद, कानपुर नगर, बरेली, मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, बिजनौर, संभल, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, चंदौली, सहारनपुर एवं शामली, इतने जिलों में खास करके प्रतियोगिता का संचालन किया जाना है हार्ट कुक्ड फूड योजना का, उसके संबंध में क्या लिखा हुआ है आइए देख लेते हैं, उसके बाद आते हैं अन्य बड़ी खबरों पर। तो आप अवगत हैं कि प्रदेश के जो 54 जनपदों में मिड डे मील योजना की भांति जो 21 आपके जनपदों के जो हैं 24,710 आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उनके माध्यम से हार्ट कुक्ड फूड योजना जो संचालित किए जाने हेतु शासनादेश वगैरह भी दिया हुआ है 17/1/2019 के द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। तत्क्रम में स्वयं सहायता समूह का जो गठन कराकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं अध्यक्ष और आपकी जो स्वयं सहायता समूह के नाम से जो ICDS केंद्र हार्ट कुक्ड फूड निधि के नाम से बैंक खाते भी खुलवाए जाने के निर्देश हैं, और बैंक खाते खुलने से पूर्व स्वयं सहायता समूह के बायलाज की आवश्यकता भी पड़ेगी। तो जो स्वयं सहायता समूह बनता है और इस जो बायलॉन्ज को निदेशालय द्वारा बनाकर पत्र के साथ एक बुकलेट के रूप में संलग्न किया जाएगा। आप सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों को परियोजनावार आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या के अनुपात में फोटो कॉपी कराकर मुख्य सेविका के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, और बाल विकास परियोजना अधिकारी व मुख्य सेविका के माध्यम से बायलॉग की जो प्रतियों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध कराया जाएगा, और बायलॉग की एक प्रति आंगनबाड़ी पर रखी जाएगी तथा एक प्रति बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा जो प्रति हस्ताक्षरित कर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से खाता खुलवाने हेतु बैंक को उपलब्ध कराई जाएगी। और उपरोक्त प्रक्रिया को जो अपनाने के बाद भी जो स्वयं सहायता समूह का बैंक खाता जो बैंक में खुल पाना संभव होगा, ये सभी चीज़ें होंगी। तो अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, या फिर चैनल पर अपलोड करने के लिए आप थोड़ा वेट करना और इन चीज़ों को लेकर के लेटर आपको चैनल पर भी मिल जाएगा। तो बहनों, यहाँ पे जो तमाम जानकारियाँ निकल के आ रही हैं, तो आप लोगों से विनती है चैनल को अपने सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अपनी बहनों को चैनल के माध्यम से जो बार बार कहता रहता हूँ जोड़े, वो इसलिए कि हमारे आने वाले समय में जब भी यूनियन आपके मानदेय को लेकर के धरना करे तो आप लोगों तक उनकी जानकारी और उनकी सूचनाएं आसानी से पहुंच जाए। तो स्वयं सहायता समूह गठन की जो प्रक्रिया है उसमें लिखा है, समूह गठन में लाभार्थी परिवार के सदस्य, मोहल्ला एवं गांव की ही महिलाओं में से 10-11 सदस्यों का चयन किया जाएगा जो नियमित रूप से आंगनबाड़ी केंद्रों पर आकर भोजन पकाने की कार्रवाई वगैरह सुनिश्चित करेंगी। और अगला पॉइंट लिखा हुआ है, जनपद के बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं मुख्य सेविका को आप निर्देशित करें कि स्वयं सहायता समूह का गठन अधिकतम दिनांक जो 25/6/2019 तक हो भी जाना चाहिए, तो इसी 25 जून तक ये सभी चीज़ें हो जानी चाहिए। इस वजह से ये लेटर आप लोगों को शत्रुघ्न सिंह जी जो डायरेक्टर हैं उनकी तरफ से जो निकाला गया वो आप लोगों को भेज रहा हूँ उत्तर प्रदेश वाली खास बहनों के लिए, और इसमें और भी जानकारी है वो भी देख लीजिए। दिनांक 28/6/2019 को आपके जनपद के स्वयं सहायता समूह के गठन की प्रगति की समीक्षा बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं मुख्य सेविका से दूरभाष पर निदेशालय के नोडल अधिकारी द्वारा की जाएगी, और दिनांक 30/6/2019 को जनपद के कुल समूहों गठन की जो प्रगति की समीक्षा जिला कार्यक्रम अधिकारी के अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाएगी, और दिनांक 30/6/2019 को स्वयं सहायता समूह के गठन की प्रगति से संबंधित
सूचना शासन को प्रेषित कर दी जाएगी और साथ ही योजना की प्रगति की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि 24,710 खाते खुलवाए जाने हेतु निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष आप द्वारा अभी तक मात्र 9,504 खाते ही खुलवाए जा सके हैं। यह स्थिति अत्यंत ही खेदजनक है। दिनांक 28/5/2019 को प्रमुख सचिव महोदय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागीय कार्यों की समीक्षा किए जाने के उपरांत उनके द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन जिन जनपदों में स्वयं सहायता समूह का गठन अभी तक नहीं हो सका है वहां पर दिनांक 25/6/2019 तक स्वयं सहायता समूहों का गठन कराते हुए खाते खुलवाए जाने की कार्रवाई प्रत्येक दशा में पूर्ण कर ली जाए। मैंने कहा था वीडियो को पूरा देखा करें। स्टार्टिंग की जो चीज़ें होती हैं ये सरकारी लेटर वगैरह इनकी भाषा आपके हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन लास्ट में जो ये बता रहा हूँ इससे शब्द जो सरल लिखे हुए हैं उससे आपको समझने में आसानी होगी। यानी कि वो जिन भी जनपदों के हमने नाम लिए थे वो सभी जनपदों में स्वयं सहायता समूह के जो खाते खुलवाने उसके बाद में सभी चीज़ें हार्ड कॉपी की आगे बढ़ाई जाएंगी और वहाँ पर अभी खुली नहीं है जिन इन जिलों में 24,710 खाते खुलवाए जाने के लिए आदेश थे लेकिन 9,504 ही खाते खुल पाए हैं। इसी संबंध में फिर से ये लेटर जारी कर दिया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उपरोक्त जनपदों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा अपने जनपदों में सर्वप्रथम प्रतियोगिता आयोजित करने पर सहमति भी व्यक्त की गई है। परियोजना स्तर पर हार्ड कुक्ड फूड बनाए जाने हेतु गठित समूहों के उत्कृष्ट कार्यों के प्रदर्शन हेतु प्रतियोगिताओं का आयोजन जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में किए जाने का भी कार्यक्रम निदेशालय स्तर से जारी किया जाएगा। इस प्रगति का जो भौतिक सत्यापन है वो निदेशालय के नोडल अधिकारियों द्वारा किया जाएगा तथा योजना की प्रगति में उत्कृष्ट कार्य करने वाली परियोजनाओं को जो निदेशालय स्तर से पुरस्कृत भी किया जाएगा इसके संबंध में यहाँ पे लिखा हुआ है। अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि दिनांक 30/6/2019 तक स्वयं सहायता समूहों का गठन कर आपके जनपद हेतु निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत जो खाते हैं खुलवाना जो है वो सुनिश्चित करें। प्रतियोगिता के आयोजन के संबंधित कार्यक्रम दिनांक वगैरह 25/6/2019 के बाद आपको पृथक रूप से उपलब्ध करा भी दिया जाएगा। तो ये लेटर आपको देखने को मिल गया। अगला लेटर बहनों आपको 25/6 यानी कि इसी 25 जून के बाद में फिर से जारी किया जाएगा इसी योजना को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं आगरा मथुरा अलीगढ़ हाथरस जितने भी यहाँ पे जिलों के नाम हमने बताए और ये आपकी स्क्रीन पर जितने भी जिलों के नाम बहनों आ रहे होंगे इतने ही जिलों में हार्ड कुक्ड योजना को लेकर के खाते नहीं खुले हैं उसके संबंध में आदेश जारी किया गया कि जल्द से जल्द ये काम कराए जाएं। तो ये लेटर आपको कैसा लगा और आगे चलते हैं। फिलहाल के लिए बता दूं अगली जानकारी मैंने कहा था और ये देख लीजिए इसके बारे में हार्ड कुक्ड फूड योजना के संचालन हेतु महिला जो सहायता समूह की उपावधियाँ जो हैं खासकर उसके बारे में आपने देखा और यहाँ पे ये फार्म वगैरह स्वयं सहायता समूह द्वारा बैंक में बचत खाता खुलवाने हेतु कार्रवाई पुस्तिका में लिखे जाने के प्रस्ताव की रूपरेखा ये आप देख सकते हैं। यही आपको डिट्टो ऐसे ही मिलेगा वहाँ पे भरने के लिए बैंक वगैरह में और इन चीज़ों को आप देख लीजिए, क्योंकि ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल कभी भी झूठी खबरें नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पे हमें आप लोगों की बहुत ज़्यादा फिक्र रहती है कि आप लोगों तक सच्ची खबरें जाएं। जो जितने भी झूठे यूट्यूबर हैं उनकी पोल भी खुले और खासकर उनको बहने देखना भी बंद कर दें ताकि वो भ्रमित ना हो सके और समाज में जो बुराई फैली हुई है कि यूट्यूब पर हमेशा गलत खबरें आती हैं तो वो भी दूर होगी, क्योंकि यूट्यूब पर सही खबरें भी आती हैं। बस आपको ज़रूरत है सही इंसान से मिलने के लिए जहाँ पर सही खबरें दी जा सकें। महिला स्वयं सहायता समूह के लिए ये देख लीजिए, इसको भी भरना होगा और समूह की सदस्यता क्या होंगी और समूह की बैठक वगैरह में क्या किया जाएगा ये सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से जानकारी में लिखी हुई है और इसको बहनों अपने फेसबुक पेज पर भी डाल देंगे तो जो भी बहनों को वहाँ पर डाउनलोड करना होगा वो भी वहाँ से डाउनलोड कर सकती हैं या हम अपने चैनल पर लिंक लेकर के वहाँ पर जुड़ भी सकती हैं या सर्च कर लीजिए फेसबुक अकाउंट हमारा, फेसबुक पेज ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ आपका पेज आ जाएगा और यहाँ पर ये सभी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। बैंक खाते का संचालन, लाभांश का वितरण, नियमावली में संशोधन, हर एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई। पूरा लेटर पढ़ना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा, ये तालिका वगैरह समूह के सदस्यों की सूची भी इस तरह बनानी पड़ेगी आपको। तो मैं मतलब दिखाना ये चाहता हूँ ये काम आपके वहाँ पे हो रहे हैं, आपको मैं जागरूक कर देता हूँ समय पर रहते, फिर उसके बाद में जब भी आपके वहाँ पर योजनाएं आएंगी कुछ भी होगा इसके लिए सूचना आएगी मुख्य सेविका के द्वारा सुपरवाइजर के द्वारा तो आप लोगों को उसके बारे में पता होगा तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा कि हाँ हम ये चीज़ सब चीज़ जानते हैं। यहाँ पर आगे आपको बता दूँ नई शिक्षा नीति को लेकर के मैंने बताया था, हमारे जितेंद्र कुमार शर्मा जी हैं एडवोकेट हैं उन्होंने ये पोस्ट डाली थी नई शिक्षा नीति से आंगनबाड़ी का स्थान। मैंने सिर्फ आपको पोस्ट डाली थी उसमें आंगनबाड़ी वगैरह को लेकर के थोड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही थी, लेकिन यहाँ पे डिटेल से जानकारी निकल के क्या आ रही है। इन आंगनबाड़ी केंद्रों का लक्ष्य होगा कि वे स्वास्थ्य और पोषण के महत्वपूर्ण घटकों से युक्त एक उत्कृष्ट शैक्षणिक केंद्र भी बनाए और आंगनबाड़ी को प्राथमिक स्कूलों के साथ स्थापित करना। मेन पॉइंट इसका यह भी रहेगा बी में कि आंगनबाड़ी को प्राथमिक स्कूलों के साथ स्थापित करना। अब हो सकता है जो आपके माध्यमिक विद्यालय वगैरह हैं वहाँ पर आप सभी बहनों को मर्ज कर दिया जाए, एक ही में जोड़ दिया जाए
और आप बहनों को नियमित भी कर दिया जाए, क्योंकि सरकारें कदम उठाने जा रही हैं ऐसा बताया जा रहा था उत्तर प्रदेश में खास करके। अब होता कब है ये सच्चाई तो बहनों बाद में ही पता चलेगी। मैं ये नहीं कहता कि आप हो ही जाएंगी, लेकिन जो मीडिया में और जो बातें चल रही हैं उनके आधार पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ। और हो सकता है कि प्री वगैरह में आप लोगों को प्री नर्सरी वगैरह का दर्जा भी दे दिया जाए, उसमें बच्चे जोड़ दिए जाएं, तो कुछ ना कुछ आगे देखने को मिलेगा। लिखा आंगनबाड़ी द्वारा प्रदान की जा रही व्यापक सेवाओं और प्राथमिक स्कूलों के सामंजस्यपूर्ण वातावरण में अपने भाई बहनों और साथियों के साथ सीखने का एक बेहतर अवसर प्रदान करने की दृष्टि से जहां तक संभव हो आंगनबाड़ी को पहले ही अवस्थित प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थापित करना अभिभावकों और तथा बच्चों के लिए लाभदायक होगा। आप देख रहे हैं एक जगह जो है अवस्थित कर दिया जाएगा प्राथमिक विद्यालयों के साथ में स्थापित करना, ये सब भी बताया जाए। इस पर जो निर्णय लिए जाएंगे जल्दी, और ये चीज़ें योजनाएं बन चुकी हैं, नई शिक्षा नीति में ये बदलाव हो सकता है देखने को मिल जाए, क्योंकि ये चीज़ें जोड़ दी गई हैं। नए आंगनबाड़ी केंद्रों और प्राथमिक स्कूलों के निर्माण हेतु स्थान निर्धारण करते समय आंगनबाड़ी और प्राथमिक स्कूलों को साथ साथ एक परिसर में स्थापित करने को उच्च प्राथमिकता भी दी जाएगी, जिससे कि बेहतर और जो सशक्त है विद्यालय समुदाय का निर्माण भी किया जा सके। और पूर्व प्राथमिक शालाओं को जो प्राथमिक स्कूलों के साथ स्थापित करना, यहाँ पे जीरो से जो आपके 3 से 6 वर्ष की आयु के वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनमें गुणवत्तापूर्ण जो शालापूर्ण शिक्षा को मौजूद या नए प्राथमिक स्कूलों के साथ जोड़ दिया जाएगा। ये सभी चीज़ें हैं, तो जोड़ने के लिए आपको मैंने बता दिया बहनों, हो सकता है आज आने वाले समय में आपको देखने को मिल जाए। फिलहाल के लिए आगे चलते हैं अगली जो भी बड़ी खबर आएंगी, जैसे कि ये देख लीजिए जनपद इटावा से भी लेटर दिया गया था हमारी बहनों के जरिए, और ये जिला कार्यक्रम अधिकारी को उनके वहाँ पर छुट्टियाँ दिलाने के लिए, तो इटावा से जो बहनें उनके वहाँ पर छुट्टियाँ दिलाने के लिए खास कर दिया गया था। तो आगे मिलते हैं, फिलहाल के लिए बताएंगे आपको अगले वीडियो में अगली बड़ी खबर।